एक है बीजेपी की पॉलिटिक्स, भारतीय जनता पार्टी की मोदी योगी पॉलिटिक्स, और एक है असदुद्दीन ओवैसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स, जिसकी खूब चर्चा होती है। अब आरोप यही लगता है कि ओवैसी बीजेपी की बी टीम है। आरोप ये भी लगता है कि वो समाजवादी एजेंट है, जो योगी खुद लगाते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी तो समाजवादी पार्टी के एजेंट हैं, या फिर ओवैसी और बीजेपी चाचा भतीजा हैं, जैसा आरोप राकेश टिकैत ने लगाया है। आरोप देखिए हर तरफ से लगते हैं, लेकिन ओवैसी की राजनीति को हमेशा बीजेपी की बी टीम इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मुस्लिम वोट बैंक पर सीधा निशाना साधते हैं, और ऐसे में आरोप ये लगता है कि उनकी हिंदू मुस्लिम वाली ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी को फायदा पहुंचा देती है। तो क्या मुस्लिमों के पैरोकार बनकर इसी ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स को असदुद्दीन ओवैसी यूपी में भी उसी अंदाज में आगे ले जा रहे हैं? समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जिनके आप नाम ले रहे हो, क्या वो भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहते हैं? फैसला कर लीजिए कि ओवैसी किसका एजेंट है। असदुद्दीन ओवैसी लखनऊ की लड़ाई के वो सिक्के हैं जिन्हें अपनी अपनी राजनीति में दूसरे उछाल तो लेते हैं लेकिन अपनी जेब में नहीं रखते। इसीलिए ओवैसी यूपी की अपनी रैलियों में ये कहकर तालियां बटोरते हैं। जैसा कि लेस यादव ने अपने घर की शादी में मोदी को ओवैसी किसके एजेंट, ये कहने की नौबत क्यों आई? इसे समझने से पहले इन तस्वीरों को देखिए। अयोध्या में सरकारी योजना के तहत सामूहिक विवाह का आयोजन होता है। जो गरीब हैं, जो बड़ा खर्च नहीं कर सकते, धूमधाम से सरकार ने उनकी शादी कराई, वरमाला डाली गई, जोड़ों का गठबंधन बना। इसी जगह पर अयोध्या में जहाँ हिंदू रीति रिवाज से सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ, वहीं पर सामूहिक निकाह भी कराया गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद इस कार्यक्रम में पहुंचे। हिंदू मुस्लिम दोनों बेटे बेटियों की शादी का आयोजन तो एक साथ हो जाता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम वोट के ध्रुवीकरण की राजनीति अलग अलग की जाती है, जिसमें ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट मुख्यमंत्री बताते हैं। आज प्रदेश में दंगा नहीं, हर व्यक्ति जानता है कि ओवैसी समाजवादी पार्टी के एजेंट बनकर के प्रदेश में भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहे हैं। जिन ओवैसी पर अब तक पूरे देश में अलग अलग कई राज्यों में सिर्फ यही आरोप लगता आया कि हर राज्य में वो बीजेपी की बी टीम बनकर ध्रुवीकरण की जमीन तैयार करते हैं, उन्हें बीजेपी दूसरे दल का एजेंट कहती है। यही काम समाजवादी पार्टी और किसान संगठन के राकेश टिकैत भी करते हैं। उत्तर प्रदेश है, यूपी में इसके कयास पहले ही बीएसपी खत्म कर चुकी है। मुस्लिम वोट पर बीएसपी की ताकत लगातार घटती भी जा रही है। यही वजह है कि अब मायावती ने अभी अपना सारा फोकस एससी एसटी सीटों पर लगा दिया। उत्तर प्रदेश में उनको हमारे हिंदू भाई और बहनों ने वोट नहीं दिया, ये बात राजनीतिक जानकार कहते आए हैं कि ओवैसी के अच्छे प्रदर्शन से अखिलेश की पार्टी को यूपी में नुकसान हो सकता है। तो अब सवाल है कि आखिर ओवैसी किसके हैं? एक्सपर्ट का मानना है कि ओवैसी दरअसल अपने खुद के ही वो एजेंट है जो 8 साल पहले एक शहर की पार्टी कही जाने वाली AIMIN को अब देश के सबसे बड़े चुनावी राज्य में भी स्थापित करना चाहते हैं। इसी बहाने अपने राष्ट्रीय विस्तार के साथ ओवैसी खुद को राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिमों का सबसे बड़ा नेता बनाना चाहते हैं। ओवैसी के लिए किसी पार्टी की जीत से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के एक प्रमुख प्रखर चेहरे के तौर पर उभरना, ये ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि उनकी पार्टी का कोई पहचान या कोई किसी तरह का कोई प्रेजेंस आंध्र प्रदेश और हैदराबाद के बाहर तो नहीं है, लेकिन इसके बावजूद जब वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते हैं या पार्टी के बारे में बात करते हैं तो वो मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को ही इन्वाइट करते हैं, बुलाते हैं और अपने साथ जोड़ने का आह्वान करते हैं। क्या सच्चाई यही है कि ओवैसी अपनी राष्ट्रीय मुस्लिम नेता वाली छवि बनाने के लिए उन मुद्दों को उछालते हैं जिनसे ध्रुवीकरण का मैदान तैयार होता है? ओवैसी की सियासत चमकती है, विरोधी ओवैसी को एक दूसरे का एजेंट बताते हैं, ओवैसी खुद को राजनीति की लैला कह लेते हैं और समर्थक उनको शेर बोलते हैं।